हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ में बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिससे कि आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला, बालों की जो सफाई होती है वो होते हुए देखेंगे, साथ ही साथ बालों को लंबा, काला और घना करने का भी ये काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। देखिए, बेसन आपको लेना है एक चम्मच के तकरीबन, एक चम्मच बेसन। दोस्तों, ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से क्लींस करती है, आपके स्कैल्प को मजबूत बनाती है, बाल आपके बहुत ज्यादा तेजी से लंबे होते हैं और बाल आपके काफी लंबे समय तक अच्छी मात्रा में सर्वाइव करते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बेसन के बहुत सारे फायदे होते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारे स्किन और हेयर दोनों पे काम करते हैं। अब देखिए, मैंने एक चम्मच बेसन लिया है। बेसन का मैं आज आप लोगों को शैम्पू बनाना सिखाऊंगी। दोस्तों, वैसे तो बेसन अपने आप में एक नेचुरल क्लींजर का काम करती है, इसके अंदर कोई भी ऐसे हार्मफुल यू नो थिंग्स नहीं होते हैं जो कि हमारे स्किन या हेयर को खराब कर दे, ठीक है। तो ये नेचुरल क्लींजर के साथ में आप लोगों को बेस्ट बेनिफिट देती है आपके हेयर के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बेसन लेना है यहाँ पर, और जब भी आप अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन करो, जब भी इसका शैम्पू बनाओ, तो ये बहुत ही अमेजिंगली आपके वर्क करती है। कुछ चीज़ों की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ बेसन लेने के बाद दोस्तों आप चाय की पत्ती का पानी बना करके इस तरह से रेडी कर लीजिए। चाय की पत्ती का जो पानी होता है, ये बेसन में आपको इस तरह से घोल करके डाल देना होता है, ठीक है। चाय की पत्ती का पानी आप इसमें जितना ऐड करोगे उतना अच्छा ये काम करेगा और डबल बेनिफिट मिलेगा, जैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, बेसन एक नेचुरल थिंग्स का काम करती है, हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक करने का काम करती है दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। बेसन के साथ में चाय की पत्ती का घोल आपको लेना है। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो ना फ्रेंड्स, देखिए ये नेचुरल क्लींजर है, इसीलिए इसमें से झाग भी निकल रहा है। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो फ्रेंड्स, वो शैम्पू आपको लेना है, अपने इस बेसन के पैक में मिलाना है, ठीक है। चाय की पत्ती का पानी आप रेडी कर लीजिएगा, मैं उसकी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप घर पे ही इसे बना सकते हो। थोड़ी सी गाढ़ी इस तरह से आपको यू नो बेसन का जो घोल है वो रेडी करके लेना है चाय की पत्ती के पानी के साथ में। आप इसमें चाहें तो कॉफ़ी और भी ऐड कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। आजकल बच्चों के जो बाल हैं वो बहुत जल्दी जल्दी से सफ़ेद होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बस आपको बेसन को इस तरह से यूज़ करना है दोस्तों, जैसे शैम्पू अगर आप कर रहे हो, डेली पर्पज़ पे आप शैम्पू कर रहे हैं जैसे अपने बालों पे, तो आप बेसन का यूज़ ज़रूर करिए, जिससे आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, बालों की जो सफ़ेदी रहेगी वो भी काफ़ी हद तक दूर रहेगी, जल्दी जल्दी बाल सफ़ेद नहीं होंगे दोस्तों। बिलीव मी, ये रेमेडी इतनी अमेजिंग है। जब हमारी दादी नानी उस ज़माने में कुछ नहीं हुआ करता था, तो बेसन को ही घोल करके सिंपली वो लोग अपने शैम्पू में मिला करके लगा लेते थे। इसकी बहुत ही अमेजिंगली हमारे बाल जो है वो साफ हो जाते थे। चने का जो आटा होता है, चने का जो दाल, घर में पीस करके भी आप बेसन बना लीजिए दोस्तों, उससे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से शैम्पू इसमें मिलाइएगा दोस्तों, और चाय की पत्ती मिला करके इस तरह से घोल बना करके अपने बालों पर लगाना स्टार्ट करिए। स्कैल्प को आपको क्लीन कर देगा आपके, और साथ ही साथ बालों की जो टेक्स्चर है वो इम्प्रूव होती है, बाल इतने ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं, जो कि अमेजिंगली वर्क करते हैं, आपके सफेद बालों को भी आने से ये रोक देते हैं दोस्तों। दोस्तों, छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताइएगा, और इस बेसन की रेमेडी को आप जरूर यू नो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनके बाल भी बच जाए सफेद होने से, और बालों की लंबाई भी बढ़ते रहे, बालों में चमक आ जाए, बालों में से डैंड्रफ, रूशी की प्रॉब्लम जो होती है वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कोई क्वेरी है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।